तनख्वाहों में इजाफे की बात हो तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से यकीनन ये खुश आइंद खबर होती है। तो इस हवाले से जहां दीगर फोरम पर इस हवाले से कोशिश जारी है, तो इस हवाले से बताता चलूं कि दिसंबर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, वो किस मद में होगा, इसी हवाले से आज की वीडियो है। स्केल 1 से लेकर 22 तक के स्केल के तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा, तो उस हवाले से आपको डिटेल बताता हूं कि कितना इजाफा होगा। ये तो हतमी इजाफा है, लेकिन इसके साथ अगर मजीद कोई इजाफा हो जाता है तो वो सोने पर सुहागा होगा। ये इजाफा जो है वो इंक्रीमेंट की सूरत में सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। स्केल वाइज कितना मिलेगा, इसकी डिटेल कुछ इस तरह है। स्केल 1 के हिसाब से आपको बताता चलूँ कि इनकी इंक्रीमेंट 290 रुपये है, और इसी तरह ढाक रिलीफ 2017 पर 10% लगा तो वो 29 रुपये बनते हैं, इसी तरह 2018 पर भी 29 रुपये बनते हैं, 2019 पर भी 29 रुपये बनते हैं, और 2021 में भी 29 रुपये बनते हैं। इस तरह स्केल 1 वाले को टोटल जो इंक्रीमेंट मिलेगी वो 406 रुपये मिलेगी। दूसरे स्केल वाले को बताता चलूं कि 462 रुपये उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा। तीसरे स्केल वालों को 546 रुपये इजाफा किया जाएगा। चौथे स्केल वालों की बात कर लेते हैं, 440 रुपये इनकी इंक्रीमेंट बनती है, लेकिन 10% जो है ढाक में इजाफा होता है वो भी शामिल होता है, तो टोटल इनको मिलेगा 616 रुपये। पाँचवें स्केल वाले को मिलेंगे 700 रुपये इंक्रीमेंट की मद में। छठे स्केल वाले की इंक्रीमेंट में इजाफा होगा तनख्वाह में 784 रुपये, और इसी तरह आठवें स्केल वाले की बात कर लेते हैं, 938 रुपये उनकी इंक्रीमेंट लगेगी। दसवें स्केल वाले की बात कर लेते हैं, 1120 रुपये इनको जो है वो इंक्रीमेंट लगेगी। बारहवें स्केल वाले को 1344 रुपये उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट की मद में इजाफा हो जाएगा। दिसंबर में ये इंक्रीमेंट लगती है, तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ये अच्छी खबर है। इसके अलावा भी सरकारी मुलाजमीन की तनजीमें कोशिश कर रही हैं कि इनकी तनख्वाहों में वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये इंक्रीमेंट तो सरकारी मुलाजमीन को मिलनी है, अगर वो भी मिल जाती हैं तो ये यकीनन सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत खुश आइंद होगी। अगले स्केल के हवाले से आपको बताता हूँ, 13वें स्केल की इंक्रीमेंट जो लगेगी वो 1470 रुपये लगेगी, और इसी तरह 14वें स्केल वाले को 1638 रुपये उसकी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट में इजाफा होगा। 15वें स्केल वाले की बात कर लें, 1862 रुपये इनकी इंक्रीमेंट लगेगी। 16वें स्केल वाले की बात कर लें, 2128 रुपये इनकी इंक्रीमेंट लगेगी। 17वें स्केल वाले की बात कर लेते हैं, 3105 रुपये जो है इंक्रीमेंट की मद में इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। 18वें स्केल की बात कर लेते हैं, 3875 रुपये इंक्रीमेंट की मद में इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। 19वें स्केल की बात कर लेते हैं, 4118 रुपये इनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट में मद में इजाफा होगा। 20वें स्केल वालों को 6089 रुपये जो हैं वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, और 21वें स्केल वालों की हवाले से आपको बताता चलूँ कि 6750 रुपये इजाफा किया जाएगा। ये वो थी तफसीलात, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और आप वीडियो को भी शेयर करेंगे।